भाई शॉपिंग करना किसे नहीं पसंद। और जब हम लोग एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं, वहाँ का जो सबसे अच्छा मार्केट होता है, जिसका हम लोग काफ़ी ज़्यादा नाम सुनते हैं, वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं शॉपिंग करने। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। भाई जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं नागपुर आई हुई हूँ, तो भाई नागपुर का फेमस मार्केट है बॉडी मार्केट। तो आज मैं आप लोगों को वहीं का वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ कुछ ख़रीदारी करने के लिए। क्योंकि भाई जब हम लोग एक शहर से दूसरे शहर आते हैं तो कुछ कुछ तो सौगात लेकर जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं। चलिए चलते हैं और देखते हैं बॉडी मार्केट ऑफ नागपुर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये है पूरा बॉडी मार्केट ऑफ नागपुर। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं और इंशाल्लाह देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। आइए देखते हैं क्या मिलता है। भाई मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही मैंने बॉडी मार्केट में एंट्री ली ना, वैसे ही मेरे सामने एकदम वास्ट स्ट्रीट शॉप दिख रहा था मुझे। और उनमें से बहुत सारे स्ट्रीट शॉप जो थे वो लेडीज़ के लिए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ प्रोडक्ट मिल रहे थे, जिनमें से ये कुर्तियाँ भी थी। तो मैं इस शॉप की तरफ आ गई क्योंकि मुझे अट्रैक्टिव लग रहा था ये शॉप, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर के कुर्तियाँ मिल रहे थे, डिज़ाइंस भी अच्छे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया साइज़ में। हालांकि प्राइस भी जो था ना एकदम किफ़ायती था, 250 रुपीज़ में आपको ऐसे कुर्ती मिल जा रहे थे, जो एटलीस्ट हमारे कोलकाता में तो 300 के नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। डिज़ाइन काफ़ी सारे थे, ऑप्शंस काफ़ी सारे थे, दाम भी वाजिब था, लेकिन वही साइज़ का प्रॉब्लम था। इसलिए मैं तो खुद के लिए ले नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई चाहती तो मैं ले सकती थी, मुझे अड़ जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता। तो टाइट फिटिंग ड्रेस लेकर कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि एक धुलाई में हो सकता है कि वो और ज़्यादा सिकुड़ जाए, तो इसलिए मैं नहीं ली। हालांकि अगर आप पतले दुबले हो तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ने पर फ्रेंड्स, मेरी नज़र पड़ी थी ये वाले शॉप में, जहाँ पर ये सारे पैंट्स वगैरह मुझे नज़र आ रहे थे। और मैं आज बॉडी मार्केट आई हूँ फर्स्ट टाइम। इससे पहले मैं नागपुर कभी आई नहीं थी, तो मैं बॉडी मार्केट कैसे आ जाती। तो मैंने इस जगह का बहुत ज़्यादा नाम सुन रखा था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने के लिए आई थी कि यहाँ पे आखिर कैसे चीज़ें मिलती हैं। और जब मैं यहाँ पर आई ना, तो यार बारिश भी ऑन हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्ट्रीट शॉप थे ना, तो उन लोगों ने उठा दिया था। और बहुत सारे स्ट्रीट शॉप वेंडर्स जो थे, वो लोग अपने दुकान को दोबारा से लगा भी रहे थे। और ये सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही थी, वही सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये सारे जो आप लोग मेंस शर्ट देख रहे हो ना, यकीन जाने इन सब का प्राइस जो है 750-850 रुपीज़ है। आए हुए थे मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ तो हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया और अच्छा खासा फिर बारिश भी हुआ। अभी हम लोग दोबारा से निकले हैं मार्केटिंग करने, देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। यहाँ पर मैं दुपट्टा का कलेक्शन देख रही थी कि कैसे दुपट्टाज है यहाँ पर। तो ये सारे दुपट्टाज का जो प्राइस है ना, वो अलग अलग है, कोई 250 का है, कोई 300 रुपीज़ का है। और ऐसे वाले जो दुपट्टा है ना, मैंने पूरे नागपुर में काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। भाई गर्ल्स ना पूरे चेहरे पर उसे बांध लेती हैं ताकि वो धूप से बच सके। और यहाँ पर हम लोग प्लाज़ो एंड स्कर्ट्स वगैरह देख रहे थे, जो कि प्लाज़ो अगर आप लोगे तो वो 200 रुपीज़ का होगा, और अगर आप स्कर्ट ऐसा लेते हो तो ये 250 रुपीज़ का है। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्राइस भी बताया है। भाई बर्डी मार्केट को एक्सप्लोर करने के दौरान मैं जब आगे बढ़ी, तो मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में, जहाँ पे बहुत सारे नेट के दुपट्टास वगैरह रखे हुए थे। प्राइस सबका 250-300 रुपीज़ के अंदर अंदर है, और मुझे उतना ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं लगा। भाई ऐसे दुपट्टास तो हमारे कोलकाता के न्यू मार्केट में भी मिलते हैं, तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें परचेज़ नहीं की। हालाँकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझ रही थी, क्योंकि एक बार आप लोग भी देख लो, कभी अगर आप लोगों का नागपुर आना होता है तो आप लोग बॉडी मार्केट अगर जाओगे तो ऐसे ही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरे वाले स्टॉल में जब मैं आई, तो मुझे ऐसे कुर्तियों का कलेक्शन पूरा नज़र आ रहा था। कोई भी मुझे कोई ख़ास ज़्यादा अट्रैक्टिव तो लग नहीं रहा है। फ्रेंड्स आप लोग देख ही रहे हो, वन बाई वन करके मैं आप लोगों को दिखा ही रही हूँ। और पीछे में मुझे नाइटी का बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन देखने को मिला था, जो कि ओनली एंड ओनली 250 रुपीज़ है। तो ये देखें, ये ब्लू वाला नाइटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने इसे परचेज़ भी कर लिया, और अभी मैं इसे पहन भी चुकी हूँ ऑलरेडी। वेरी ब्यूटीफुल, साइज़ भी बड़ा था, कपड़ा भी कॉटन है, और 250 रुपीज़ में अगर आपको ऐसे नाइटी मिल रहे हैं मैक्सी, तो कोई बुरा नहीं है। दूसरा डिज़ाइन भी निकाल के दिखा रही हूँ, देखें एक दो डिज़ाइन और दिखा देती हूँ। ये देखें, सारे 250 रुपीज़, ठीक है।
कोई सा भी ले लो। नाइटीज़ तो हमारे कोलकाता में भी मिलते हैं 200 एंड 250 रुपीज़ के अंदर अंदर, लेकिन उनका साइज़ छोटा होता है। हाँ, अगर बड़ा नाइटी अगर आपको हमारे कोलकाता में चाहिए तो आप लोग गड़ियाहाट जा सकते हो, वहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का नाइटी अवेलेबल है। भाई फ्रेंड्स, ये जो कलेक्शन मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ ना, वन बाई वन, ये कुर्ता विथ पैंट है, नो दुपट्टा, 750 करके आपका इसका प्राइस पड़ेगा। दूसरा वाला निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखें, डिज़ाइन एंड कलर्स काफ़ी ज़्यादा थे बट मुझे कोई इतना ज़्यादा खास अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। पानी का खर्चा मारी नहीं। बहुत सारे 250 का है, वो 400 का कोई भी ले लो। लेडीज का शर्ट है, लेडीज शर्ट है, लेडीज कॉस्मेटिक ऑल ब्लैक में फिट में पूरा ब्यूटी। आगे बढ़ने पर ना फ्रेंड्स, हमारी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में जहाँ पे बहुत सारे सनग्लासेस का कलेक्शन था। जिस वाले स्टॉल में आपको लेडीज़ एंड जेंट्स बोथ के लिए सनग्लासेस मिल जाएंगे। ऐसे अहमद सर के पास बहुत सारे सनग्लासेस है, लेकिन उनका क्या है ना कि कभी भी वो सनग्लासेस का कहीं भी स्टॉल देखेंगे ना, मार्केट में, मॉल में या फिर कहीं भी स्ट्रीट शॉप में, वो रुकेंगे ज़रूर उसको देखने के लिए कि वहाँ पे कौन कौन से डिज़ाइन अवेलेबल है। तो सोचा मैंने कि चलो अच्छा है वो रुके, तो इसी बहाने मैं भी अपने ऑडियंस के लिए वीडियो यहाँ का बना लूँ और दिखा दूँ कि यहाँ पे कैसे सनग्लासेस अवेलेबल है। 200 रुपीज़ से यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस है, 500 रुपीज़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। बार्गेनिंग आप चाहो तो कर सकते हो, बार्गेनिंग हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ने पर बैग्स का भी स्टॉल नज़र आ रहा था, ये सारे बैग्स 250 रुपीज़ का है, मुझे कोई ख़ास नहीं लगा। तो मैं दूसरे वाले स्टॉल में जब आई तो मुझे यहाँ पर ऐसे मिल रहे थे, देखा बैग, ये देखें कुछ दिखा रही हूँ आप लोगों को उठा उठा कर। भाई बैग्स को लेकर ना मुझे ऐसा क्रेज़ है कि कहीं भी मैं अगर बैग्स देख लूँ ना तो मैं वहाँ रुकती ज़रूर हूँ। भाई अहमद सर को जैसे सनग्लास का क्रेज़ है, वैसे ही मुझे बैग्स का क्रेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बैग्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बैग्स देखना नए नए डिज़ाइन का बहुत अच्छा लगता है। और आज तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी बर्डी मार्केट का, मुझे आप लोगों को भी दिखाना था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसे चीज़ें मिलती हैं। तो स्पेशली इसलिए भी मैं और भी ज़्यादा वन बाई वन करके उठा उठा कर दिखाती, ये बैग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने इस बैग को अपने लिए कर लिया था परचेज़, ओनली 300 रुपीज़ में ये बैग मुझे मिल रहा था तो मैंने इसे ले लिया। लेकिन मुझे और भी एक्सप्लोर करके देखना था कि शायद इससे भी बेहतर कोई और अच्छा बैग मिल जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक कर रही थी। हालांकि आगे चल के मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने और एक बैग अपने लिए परचेज़ किया है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत अच्छे अच्छे बैग्स का कलेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा था, आप ले सकते हो 250-300 रुपीज़ के अंदर अंदर अगर आपको यार ऐसे बैग्स मिल जा रहे हैं तो देखिए बुरा नहीं है, वेरी नाइस। ये सारे जो आप लोग इयररिंग्स वगैरह देख रहे हो ये 30 रुपीज़ के थे, और ऊपर की तरफ जितने इयररिंग्स आप लोग देख रहे हो वो 50 रुपीज़ के हैं। आइए चलिए दूसरी तरफ चलते हैं,
कोई ख़ास मुझे नहीं लग रहा है इतना ईयरिंग्स का कलेक्शन। तो भाई ये देखें, यही वो बैग है जिसके बारे में मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि वो ब्लैक बैग लेने के बाद में मैंने सोचा कि यार मैंने वो ब्लैक बैग ले लिया, आगे भी चलकर मुझे देखना चाहिए था। तो फाइनली मैंने वाइट वाला बैग भी, ऑफ वाइट वाला बैग भी ले लिया अपने लिए, क्योंकि यहाँ भी ओनली 300 रुपीज़ में ये वाला बैग मिल रहा था। और उसको फाइनल करने के बाद भी मैं आप लोगों को ये वाला सारा दिखा रही हूँ कलेक्शन। भाई लेडीज़ ऐसे ही होती हैं, मतलब अगर उनको कोई एक दो चीज़ ज़्यादा पसंद आ जाता है तो वो उसे छोड़ती नहीं है, वो ले ही लेती हैं उसे। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे वॉलेट मिल रहे थे 100 रुपीज़ का। ये जो बैग आप लोग देख रहे हो ना, मैं अभी कैरी करके हूँ, इसे मैं मजबूरी में कैरी करके हूँ, क्योंकि मैं जो बैग लेकर आई थी ना नागपुर घूमने के लिए, वो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और कैरी करते नहीं बन रहा था। तो इसलिए मैंने ये स्मॉल सा बैग, जिसको मैं मेकअप होल्डर एज अ लेके आई थी, तो उसको ही मैं यूज़ कर रही थी नागपुर घूमने के लिए। होता है यार कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भाई आगे बढ़ने पर मेरी नज़र पड़ी थी इस वाले स्टॉल में, जहाँ पर बहुत सारे क्रोएशिया के जैकेट्स वगैरह दिख रहे थे, लेकिन कोई भी एक ऐसा जैकेट मुझे अच्छा नहीं लगा जिसको मैं करती परचेज़। आप लोग देखो बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का था, और कितने को तो ऐसा मिला मुझे देखने को जो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको वेयर कैसे करना है। तो जो मुझे हाथ में जो आ रहा था, बस वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उठा उठा कर दिखा रही थी। पर्टिकुलरली सारे क्रोएशिया के सूता वगैरह ही थे। ये देखिए इसमें से एक का तो निकल भी रहा था, कलर जो मुझे समझ में आ रहा था वही दिखा रही थी। तो भाई फुटवेयर भी मिल रहे थे। अभी तक मैंने आप लोगों को अपने बर्डी मार्केट के वीडियो में जितना दिखाया है फुटवेयर नहीं दिखाया था, तो इसलिए फुटवेयर भी देख लें आप लोग। यहाँ पे ऐसे पॉलीज वगैरह भी मिल रहे थे कि आप मार्केटिंग करके अगर सामान नहीं रखने का है तो ख़रीद सकते हो। फ्रेंड्स ये है बर्डी मार्केट ऑफ नागपुर, जो मैंने आप लोगों को घुमा कर दिखाया है। बस सही सही सामान है, क्योंकि आप अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हो यहाँ से तो कर सकते हो। तो चलिए मेरा तो हो गया है, मैंने वैसे ज़्यादा कुछ ख़रीदा नहीं है क्योंकि मुझे उतना कोई सामान समझ नहीं आया। यहाँ से निकलते हैं, चलिए मिलते हो दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।